उस जीवन गुण का स्वरूप है, शरीर दर्शन का अभिन्न अवयव, उसका अंग आज अंग कहे होंगे, शून्य दर्शन के अंग के बिना शरीर नहीं मिलता, एक भी अंग कम हो शरीर परवान नहीं होता, सही नहीं होता, वह अपना काम नहीं कर सकता, शरीर अपना काम नहीं कर सकता पूरा, एक भी अंग कम हो तो। इसी तरह एक भी अंग कम हो तो सुंदर दर्शन की परिणति नहीं होती, अपना काम नहीं करता सुंदर दर्शन। उपगुण अंग उपगुण गुण सम्यक दृष्टि को प्रकट होता है, इसमें सम्यक दृष्टि क्या करता है, एक तो अपने स्वरूप को बढ़ाता है, स्वरूप का तो उद्घाटन करता है, उसका तो विकास करता है, और जो अन्य वस्तु के धर्म है उनको चुप करता है, जो अन्य वस्तु के भाव में स्वभाव में धर्म में द्रव्य गुण पर्याय हैं उनको बिल्कुल चुप कर रहा है, उनकी तरफ देखता भी नहीं, छिपाने का तरीका किसी को छिपाना नहीं है क्या, सम्यक दर्शन के लिए जगत के किसी भी पदार्थ को देखना महापाप है, देखना देखना स्वीकार करना, सम्यक दर्शन को जगत का कोई पदार्थ स्वीकार तक नहीं, इस तरह उसने अपनी दृष्टि में जगत के सभी भावों को छुपा दिया है। गंभीर है न बात, सर्व भावों का गोपने वाला है, उपगुण करने वाला है, अर्थात उनकी तरफ कभी झांकता भी नहीं, जो झांकता है उसको मतलब होता है तो झांकता, और जिसको कोई प्रयोजन नहीं है वह तो उनकी तरफ देखता तक नहीं है, इस तरह है जो उनके प्रति अत्यंत मध्यस्थ हो गया है उसने जगत के सर्व भावों का उपगुण किया, जो जगत की चर्चा ही नहीं करता, दुनिया की बात ही नहीं करता है, जो अवगुणों की बात तो नहीं करता पर गुणों की बात भी, दुनिया के गुणों की चर्चा भी जो नहीं करता है और अवगुणों की चर्चा तो करता ही नहीं है, तो किसी के गुण और अवगुण ये मेरे काम के नहीं, तो जो निश्चय पद्धति है मुख मार्ग की, उससे व्यवहार में भी बड़ी प्रेरणा मिलती है, जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरह जीवन बिताना चाहिए, ये लोक जीवन भी उसका एक तरीका है, उपगुहन भाव से जीवन बिताना चाहिए, उपगुहन भाव से अर्थात जिसमें अन्य के प्रति थोड़ा भी विषम भाव पैदा नहीं होता, रति नहीं होती, अरति नहीं होती, आकर्षण नहीं होता, घृणा नहीं होती, कोई सापेक्षता ही जिसमें किसी दूसरे की नहीं, ऐसे लोग जीवन का नाम स्वावलंबी जीवन होता है, सम्यक दृष्टि ही इस तरह जीवन बिताता है, तो वह जगत के सर्व भावों को गुप्त कर देता है, छुपा देता है, चुप कर देता है, उनको कभी ऊपर नहीं आने देता, उनको कभी अपने मुंह पर नहीं आने देता, गुण और अवगुण दोनों को सम्यक दर्शन अपनी जिह्वा पर नहीं आने देता है, उसकी जिह्वा में केवल एकमात्र
शुद्धात्मा रहता है उसको सिद्धों की भक्ति कहते हैं। सिद्धों की भक्ति मैंने जिसने सिद्धों का जनक जो शुद्धात्मा है, सिद्धों को पैदा करने वाला जो शुद्धात्मा है जिसमें अनंत सिद्ध दशाएं केंद्रीभूत हैं, ऐसा जो अनंत शक्ति में सिद्धों के अनेक गुण प्रकट होते हैं, गुण मन पर्यायें प्रकट होती हैं, ये सारी पर्यायें सिद्धात्मा अपने गुणों में सीकर रहता है। किसकी भक्ति की जाए, जो प्रकट होता है उसकी या जिससे प्रकट होता है उसकी? जिससे प्रकट होता है, यदि वह नहीं हो तो वह नहीं हो। सिद्धात्मा की अनंत शक्तियां नहीं हो तो भगवान सिद्ध ही न हो, कैसे आएंगे वो समय से प्रकट होंगे? वे तो शुद्धात्मा के गर्भ से पैदा होते। सिद्धों का गर्भ शुद्धात्मा है, इसलिए सिद्धों की भक्ति क्या हुई? सिद्ध दशा जहाँ से प्रकट होती है तो यह स्वयं सिद्ध परमात्मा बन जाता है। वर्तमान में सिद्ध परमात्मा का अनुभव करने वाला सिद्ध परमात्मा बन जाता है। आत्मा साक्षात सिद्ध परमात्मा है, उसकी जो भक्ति करता है मन, उसकी तरफ जो ढलता है, उस पर जो अपने आप को समर्पित कर देता है, उसका जो वरण कर लेता है, ऐसा जो जीव है उसकी दशा सिद्ध परमात्मा बन जाती है। सच्ची भक्ति ये हुई या हजोग न हुए? हाथ जोड़े रहे तो कुछ उपलब्ध नहीं होता। सच्ची भक्ति क्या? लोग जैसे भगवान की भक्ति करते हैं इसलिए करते हैं ना तो उनको कुछ मिले, या इसलिए करते हैं केवल हाथ जोड़ने के लिए, पैर दबाने के लिए? इस तरह सिद्धों की भक्ति यहाँ से ही गारंटी है, क्योंकि तो शर्त है यहाँ पर। सिद्धों की भक्ति जो एक बार कर लेगा निश्चित सिद्ध बनेगा। अन्यत्र परमात्मा की भक्ति करने पर कोई परमात्मा नहीं बनता, भक्ति ही रहता है, दास रहता है। लेकिन यहाँ परमात्मा की भक्ति कर लेने पर निश्चित परमात्मा बन जाता है, ऐसा नियम है। उपगुण गुण वाला समय दृष्टि ये निरंतर शुद्धात्मा की भक्ति से युक्त है, जिसको एकमात्र शुद्धात्मा ही पसंद आया है, वही इसका सर्वोत्कृष्ट तत्व, सर्वोत्कृष्ट जीवन, जीवन का एकमात्र आधार जो चैतन्य तत्व है। क्या करता है ये? जिसके जीवन का अवलंबन और आधार एकमात्र चैतन्य है और जिसकी परिणति में निरंतर वही प्रवर्तित होता है, तो शेष उसकी परिणति में प्रवर्तित नहीं होते, उसका नाम उपगुहन। बाकी उसकी परिणति में आते ही नहीं, शेष आते हैं। सीता रावण के यहाँ रही तो रावण आया उसकी परिणति में, आते ही नहीं है। सिद्धों की मन शुद्धात्मा की भक्ति से युक्त जो सम्यक दृष्टि निरंतर अपने जीवन में शुद्धात्मा को परिणमित करता है, जिसका जीवन शुद्धात्मा के अवलंबन से निरंतर आनंदमय है, स्वावलंबी है, अपने में ही अपनी चैतन्य वाटिका में ही जिसका निरंतर विहार होता है, उसको किसी की याद तक नहीं आती, उसको किसी का विकल्प तक नहीं होता। उससे पूछा जाए तुम अन्य को भी जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता, मेरा परिचय नहीं है। इसका नाम उपगुहन है और लोक में
लोक में पहले व्यवहार में वो उपगुण पैदा हो तो ये उपगुण पैदा होता है। व्यवहार में ही जो सचमुच अपने से गुणों में समान हो अथवा गुणों में अधिक हो तो उनके गुणों को प्रकट करे, उनके गुणों का स्मरण करे, उनके गुणों का विज्ञापन करे। लोक में भी मुख्य तो ये कि उनके गुणों का पुनः पुनः स्मरण करके अपने गुणों को बढ़ावे, और दूसरा कि कुछ जो कमजोरियां देखी जाती हैं वे कोई अवगुण और दुर्गुण नहीं है, लेकिन उनकी उन कमजोरियों को छिपाए। क्यों छिपाए? क्योंकि उनमें सबसे बड़ा गुण प्रकट हो गया। क्या? उनमें सबसे बड़ा गुण प्रकट हो गया है, इसलिए अब अवगुण नाम की चीज शेष नहीं रही। जो शेष है वह केवल दुर्बलता, लाचारी और कमजोरी है। उन लाचारियों को उभारे नहीं, उन लाचारियों को तूल न दे। ज्ञानियों की, सम्यक दृष्टियों की, निराजों की जो लाचारियां हैं, कमजोरियां हैं, राज के रूप में जो बच गई हैं, उनको ज्ञानी सम्यक दृष्टि उपगुहन वाला वो उछालता नहीं है, लेकिन उनको चुप करता। चुप करता है नहीं? क्या चुप करता है? जानता है लेकिन कहता नहीं। वह उनको जैसे जानता ही नहीं है, उनका क्या जानना है? ज्ञानियों में जो कमजोरियां हैं वे कमजोरियां भी जानने की वस्तु नहीं है। क्यों, क्या जाने और क्यों जाने उनको, किस लिए जाने? वह तो केवल उनके गुणों को जानता है, उनके गुणों का सम्मान करता है, गुणों का प्रकाशन करता है, और उनकी जो कमजोरियां हैं उनको वो छिपाता है, चुप करता है। लोक में भी इस तरह की चर्चा हो, ज्ञानियों के संबंध में लोक में चर्चा हो, तो वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि कहता है तुम बिल्कुल झूठ बोलते हो, तुमने उनको देखा नहीं, तुम उनको जानते नहीं, समझते नहीं। देश बंधु चित्तरंजन दास थे, अपने देश के बहुत बड़े नेता और देश सेवक हुए, वकील थे वो। उनके पास कोई अपना मुकदमा लाया, बहुत बड़ा मुकदमा, और वह उनको 1,00,000 रुपया तक देने को तैयार हुए। उसी समय वहाँ एक दूसरा व्यक्ति बैठा था जो उनसे कुछ पैसा मांगता था। पैसे को थोड़ा समय हो गया था। वो जो अपना मुकदमा लाया और वो 1,00,000 रुपया तक देने को तैयार हो गया, तो चित्तरंजन दास बोले कि मुझे अभी राष्ट्र सेवा से फुर्सत नहीं, इसलिए मैं आपका केस नहीं लूंगा। और उसका 2,000-2,000 रुपया था जो दूसरा बैठा था, तो नीचे मुंह लटका के चल गया। इतना बड़ा व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति, वो क्या मेरा पैसा रख सकता है? मुझे भ्रम हो गया कि मेरा पैसा रख लेगा, अथवा इसने काफी समय बिता दिया है, तो कोई बात है, कोई लाचारी है जिससे दिन बीते हैं, लेकिन यह रखने वाला नहीं। सम्यक दृष्टि का स्वरूप ऐसा ही होता है। लाचारियां कुछ उसके जीवन में होती हैं, उनको अज्ञानी लोग उछालते हैं, तब जो ज्ञानी है वो ये कहता है कि तुम उसको जानते नहीं हो, तुमने उसको समझा नहीं। और बहुत होती है ना कमजोरियां, तो अनेक प्रकार की होती हैं ऐसी कमजोरियां, और ऐसा उदय भी प्रतिकूल हो, और उस उदय की प्रतिकूलता में बदनामियों के अवसर आ जाए, सारा जगत बदनाम कर दे, लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि वह
मेरी बिरादरी का है, वो मेरा भाई है, मैं उसको नज़दीक से जानता हूँ, तुम उसको बिल्कुल जानते नहीं हो, वह ऐसा काम नहीं कर सकता। और दुनिया कहती है कि किया है ना उसने, हम जानते, देखो ना हमारे पास सबूत है कि उसने किया है। तब वो क्या कहता है ज्ञानी, नहीं नहीं उसने नहीं किया। ये कहाँ से बोलता है, वो कहाँ से बोलता है, बाहर से बोलता है, और ज्ञानी सम्यक दृष्टि भीतर से बोलता है। वो ऐसा काम हो गया होगा भले ही, लेकिन वह ऐसा काम कर नहीं सकता है। अपनी सभा में हो जाए, किसी के संबंध में बात हो जाए, बाजार में बदनामी हो जाए, तो अपने में से लोग क्या बोलेंगे, बोले हाँ साहब जमाना ऐसा ही है, हो ही सकता है। यह सभा में जिस 10-10 वर्ष इस स्वाध्याय में आते हैं सुनते हैं, उनके संबंध में कोई चर्चा हो जाए तो हम ही लोग क्या बोलेंगे, हाँ साहब जमाना ऐसा ही है आज का, ऐसा बोलेंगे स्वाध्याय सुनने वाले 10-10 वर्ष से। ये परखा है तत्व ज्ञान को, जब जो जानता है वही कहेगा कि स्वप्न में भी नहीं हो सकता है, हुआ होगा, हुआ होगा इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन नहीं हुआ है और होता नहीं है, वो करता ही करेगा कैसे, जो जिस चीज से टूट चुका है वो करेगा उसको, जो खड्डे में गिरा है तो जानबूझ के गिरा है, गिरा हुआ तो दिखेगा, बोले हम कह रहे हैं देखो गिरा है वो, गिरा होगा, गिरना तो उसको नहीं था। अब और की तो चर्चा ही नहीं है, यहाँ तो केवल चर्चा ज्ञानी की है, ज्ञानी ज्ञानी के प्रति क्या करे, कहते अब ज्ञानी अज्ञानी के प्रति क्या करे, ये प्रश्न पैदा नहीं होता, ज्ञानी अज्ञानी के प्रति क्या करे, क्या करे, अज्ञानी वो तो अवगुण ही अवगुण वाला होता है, होता है ना, उसके प्रति क्या करे वो ज्ञानी, जवाब नहीं है ना, क्या करेगा, तो उसका उसको तो खूब उछल है और क्या करेगा, उसके अवगुणों को, उसके दुर्गुणों को, उसके अपराधों को तो उछाले, क्यों नहीं उछाले, बोलो क्यों नहीं उछाले, वो इसलिए नहीं उछाल सकता क्योंकि उसको तो इससे ही फुर्सत नहीं। ज्ञानी के गुणों का विज्ञापन करना और ज्ञानी की कमजोरियों को चुप करना, ये सम्यक दृष्टि का व्यवहार जीवन लोक जीवन होता है। और उस लोक जीवन में उससे आगे का काम कि वह ज्ञानियों के गुणों का स्मरण करता हुआ उससे प्रेरणा लेता है और उनकी कमजोरियों की चर्चा नहीं करता, क्योंकि कमजोरियां उस चर्चा करने लायक नहीं है, क्योंकि जिसमें कमजोरियां हैं उस ज्ञानी का मन कमजोरियों से बिल्कुल टूटा हुआ है, इसलिए चर्चा करने लायक बिल्कुल नहीं है। ऐसा जो पुरुष है वो उपगुहन करने वाला सम्यक दृष्टि है, कैसा होता है लोक जीवन और लोकोत्तर जीवन होना कैसा चाहिए, भक्ति का, क्योंकि सम्यक दृष्टि संकोच कीर्ण एक ज्ञायक भाव मयता के कारण समस्त आत्म शक्तियों की वृद्धि करता है, इसलिए उपग्रंभक अर्थात आत्म शक्ति बढ़ाने वाला है, इसलिए उस जीव की शक्ति की दुर्बलता से होने वाला बंध नहीं किंतु निर्जरा ही है। इसलिए क्या हुआ, तो सम्यक दृष्टि का जीवन क्या हुआ, एक तो ये कि वो अपने ज्ञायक के ज्ञायक अर्थात संकोच किरण भूत स्थायी अविनश्वर अनंत शक्ति में जो चैतन्य तत्व है उसका नाम है ज्ञायक। सम्यक दृष्टि उस ज्ञायक भाव मय है, मय है मैंने उसने उस पर अधिकार किया है, उसने उस पर कब्जा किया है। अज्ञानी का कब्जा ज्ञायक भाव पर नहीं है, इसलिए वह निरंतर तकलीफ पाता,
कष्ट पाता है। ऐसा ज्ञान भाव मैं जिसम में देखती है, उसका काम क्या? समस्त आत्म शक्तियों की वृद्धि करता है। आत्मा की जो शक्तियां हैं उनका कुछ विकास सम्यक दर्शन होने पर हुआ और अभी कुछ कलियों का खिलना बाकी है। कुछ तो खिल चुकी, कुछ अध खिली हैं। खिली तो सब है, सम्यक दृष्टि को सारे ही गुणों की कलियां खिली हैं। कुछ तो पूरी खिली हैं और कुछ अध खिली हैं। वो अध खिली कलियों को खिलाया करता है, वो निरंतर उनको उपादान देता है, सामग्री देता है कि जिससे वे कलियां खिलती हैं। इसलिए वह निरंतर चारित्र के प्रति गतिमान रहता है। सम्यक्ति काम है उसका, और काम करता है, और काम करता है, और काम तो ये अज्ञानियों को दिखता है कि वो और काम करता है। एक माँ का पुत्र खो जाए तो खाती है, नहीं खाती है, नहीं खाएगी तो जिंदा कैसे रहती? नहीं खाया एक महीने से जिंदा कैसे रहे? तो क्या खाया? दुनिया खाना देखती है, नहीं खाना देखती? दुनिया समझदार है, जिसको उसके प्रति पूरी सहानुभूति है वो उसका खाना देखती है, वो उसका सोना देखती है, क्या आराम से सोई है देखती है। जिसका पुत्र खोया है ही नहीं, सब देखा जाता है लेकिन सचमुच वह उसका करने वाला नहीं, करता ही नहीं, क्योंकि जो तादात्म्य से करे उसको करता देखे। उस वृत्ति के साथ लीन होकर जो उसको करे उसको करता देखे। वृत्ति होने पर भी जो उसे टूटा हुआ है तो वह उसका कर्ता नहीं कहलाता है। सम्यक दृष्टि को लाचारियों से जो बातें होती हैं तो उसके वे कर्ता इसलिए नहीं है क्योंकि वे अंतरंग से टूटे हुए हैं। सम्यक दृष्टि का इकलौता पुत्र खोया है और वह निरंतर उसे ढूंढने में लगा। इकलौता इकलौता है तो दो चार हैं, इसलिए निरंतर आत्मा की शक्तियों को बढ़ाता है। ये उसका निरंतर का काम, व्यवसाय, जीवन। क्या करते हैं सम्यक दृष्टि? खाते पीते मस्त रहते हैं, आत्मा की बातें करने वाले आत्मा की बात करते हैं और सब मौज करते हैं, ये है ना बदनामी। लेकिन जो वास्तव में आत्मा की बात करते हैं उनके संबंध में तो ये कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आत्मा की बात ही करते हैं वे तो पापी, क्योंकि आत्मा बात की वस्तु नहीं, बात करने की वस्तु नहीं। आत्मा तो साक्षात साक्षात अनुभव की, रसास्वादन की चीज है, क्योंकि वो चीज है आत्मा। रसगुल्ले की तरह, रसगुल्ला बात की चीज है, बात में संतुष्ट हो जाएगा कोई? जीने में बैठा हो और कोई कहे रसगुल्ला लाना, उसने कहा कहाँ सुन लिया, तो आ गया, काम हो गया ना पूरा। उसने तो कहा कि लाना रसगुल्ला, उसने कहा हाँ लाता हूँ रसगुल्ला, फिर ये बात में रसगुल्ला आया कि नहीं? इस तरह आत्मा बात की वस्तु तो है ही नहीं, आत्मा तो निरंतर रसास्वादन की चीज है। और आत्मा जैसी वस्तु जगत में कहाँ मिलेगी और कौन मिलेगी? यह तो नित्य ही उपलब्ध है, और जगत की एक भी वस्तु कभी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सी दिखती है, कही जाती है, लेकिन वो उपलब्ध होती नहीं है, और ये सदा उपलब्ध है। इसलिए सम्यक दृष्टि तो निरंतर इसी में लीन रहता है और इसी की वृद्धि किया करता है। इसलिए उपब्रह्मक है वो, उपब्रह्मण करने वाला उपब्रह्मक कहलाता है। निरंतर आत्मशक्तियों को बढ़ाता है। इसलिए उस जीव की शक्ति की दुर्बलता से होने वाला बंध उसे नहीं होता। अमृतचंद्र लिख रहे हैं, लोग है अपनी भाषा है। इसलिए उस जीव की शक्ति की दुर्बलता से होने वाला बंध उसे नहीं होता किंतु निर्जरा ही है। क्या हुआ?
ये जो दुर्बलता शेष है उनमें जो एक दुर्बलता वर्तमान में है उस दुर्बलता के साथ वो एकाकार नहीं है, लेकिन वो दुर्बलता उसके एकत्व से टूटी हुई है, उसका उसके साथ एकत्व नहीं है। तो क्या हुआ कि वो दुर्बलता आई और चली गई, क्या हुआ? एक एक क्षण की दुर्बलता है नहीं, राग राग एक एक क्षण का है ना, अभी चलने वाला है ना दसवें गुण स्थान तक, एक एक क्षण में आता है नहीं, अपने अपने क्रम में। सम्यक दृष्टि क्या करता है, वो तो अपनी शक्तियों के प्रति सचेत, वो तो वो काम करता है। इधर ही दुर्बलताएं शेष हैं, तो इसमें से एक एक दुर्बलता अपने अपने समय में आती है, आती है या जाती है? जाती है, क्योंकि वो ऐसी जाती है कि दोबारा आती नहीं है। अज्ञानी वो जाती नहीं है, आती है, क्योंकि वो तो अनेक को साथ ही आमंत्रित करता है, साथ का साथ, इसलिए उसको लग रहा है निदान हो जाए, निदान और उसके बाद औषधि शुरू हो जाए। तो एक एक दिन में रोग तो रहता है प्रतिदिन, लेकिन वो आज का कल नहीं है, जो आज है वैसा कल नहीं है। तो ये क्या हुआ कि जो आज का था उसके उसकी शक्ति के बहुत से अंश टूट गए, तो निर्जरा हुई, बंद हुआ। अच्छा, आगे कुछ बढ़ा? बिल्कुल नहीं बढ़ा। क्या हुआ, ये जो आया इसको इसने भोग लिया, भोग लिया मैंने, आया और चला गया, और यह जानते हुए इसके साथ मेरा संबंध है नहीं, बनेगा भी नहीं, इस तरह उस दुर्बलता में उसका भोग कर लिया, लेकिन आगे उसके साथ एकत्व नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए बंद नहीं होगा। उदय आता है कर्म का, और वो कर्म का उदय क्योंकि ये उसके साथ युक्त नहीं है इसलिए वो चला जाता है। इस तरह एक तरफा डिग्री है, एक तरफा एक कर्म अपना काम किया करता है, और इधर ये सम्यक दृष्टि वो उसकी तरफ झांकता थी कि तू अपना काम कर लेगा। स्वाधीनता का युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ कि जो स्वतंत्रता सेनानी जेल में रखे गए उन्होंने ये कहा अंग्रेज सैनिकों को, अथवा हिंदुस्तानी जो भी उनको तकलीफ देने वाले थे, कि तुम अपना काम कर लो, लेकिन आज़ादी तो आ रही है। क्या कहते थे, क्या कहते थे जवाहरलाल जी? तकलीफ तो देते थे ना, तो एक एक दिन तकलीफ नहीं होती थी, उस तकलीफ में उनको कष्ट भी होता था ना, लेकिन सिर पर क्या थी, आज़ादी। ये तकलीफें तो पैरों में थी, धूल में, और जानते थे कि तुम कितनी ही तकलीफ दे लो, ये एक एक दिन की तकलीफ हमारी कटती जा रही है, और वो आज़ादी का सूरज नहीं करते थे, ये निर्जरा हो रही थी, बंद हो रहा था। अब दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनको मूर्ख बताते थे और कहते थे ये लड़ लेंगे उससे, गोरी सरकार से एक ही गोले मोड़ा देगी इनको, ऐसे मूर्ख हुए हैं। ये जो मूर्ख हैं वो उनकी गुलामी के साथ जुड़े हुए थे, तो गुलामी कभी जाती, क्योंकि जुड़े हुए थे ना उसके साथ, इनकी गुलामी कभी जा नहीं सकती थी, पर वो गुलामी तो दृढ़ होती जाती। इसी तरह कर्म का उदय, ये कर्म का उदय ठीक ऐसा ही जैसे अंग्रेज सैनिकों ने उन राष्ट्र के जो आज़ादी में लड़ने वाले लोग थे उनको यातनाएं दी, इसका नाम क्या हुआ, कर्म का उदय। लेकिन हुआ क्या, उस दिन की बात उसी दिन समाप्त हो गई, और आगे मतलब उस दिन जो बात हुई उससे आज़ादी बढ़ी, घटी नहीं, उससे आज़ादी को योग मिला। ऐसी स्थिति सम्यक दृष्टि की होती है। तो लोग तो दुनिया से कहती थी बहुत दुख पा रहे हैं, देखो हमने कहा था मत लड़ो, अब बहुत तकलीफ पा रहे हैं और मर जाएंगे वही, तो कहते मर भी जाएंगे तो क्या, मर जाएंगे तो हमारा क्या होने वाला है, हम तो आज़ादी को लेकर मर रहे हैं और आज़ादी को आह्वान करके मर रहे हैं, वो तो आकर ही रहेगी, ये था ना उनका विश्वास। तो जो लोग जिनके मस्तिष्क में गुलामी घुसी हुई थी वो लोग तो उनकी निंदा करते थे, क्या फ़ायदा हो, बोले झगड़ा करने से क्या लाभ हो, जेल में ठूंस दिया, दो बरस हो गए, और बहुत दुख पाते थे, बहुत कष्ट पाते थे, वो कष्ट पाते थे वो, या वो आज़ादी के आनंद में झूलते थे निरंतर। इस तरह सम्यक दृष्टि भी उस आज़ादी के आनंद में, आज़ाद मन मेरा चैतन्य, आज़ाद तत्व है,
इस मेरी अयोग्यता से इसमें बंध दशा हुई है, अर्थात ये जो फिरंगी कर्म हैं ये आ गए हैं, लेकिन अब मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं। ऐसा कर सकता है? नहीं, नहीं होता। आत्मा में नहीं होता हो तो सब जगह होता है। तो इसलिए जीव की शक्ति की दुर्बलता से होने वाला बंध नहीं किंतु निर्जरा ही है,